तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे मैं आज एयरपोर्ट पे क्या कर रहा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं जोधपुर, हमारी सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट है। तो हम 10 बजे पहुँच गए थे, अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है। तो अभी सब वहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ एयरपोर्ट पे अकेले ढहल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एयरपोर्ट कितना बड़ा है। और हमारी टर्मिनल 1 से हम आए थे और यहाँ सबका मतलब होता है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ अभी और ये होटल ग्लासेस कितने अच्छे अच्छे हैं, फूड कोर्ट कितना बड़ा है यहाँ का, यहाँ पे डांस वालों इटालिया भी है, पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ पे हर चीज़ है गाइस जो आप चाहते हो। देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं, कितनी सारी फूड कोर्ट्स है। गाइस मज़ा आने वाला है, बस मेरे साथ बने रहिए, प्यार बरसाते रहिए, बाय। तो गाइस देखो ये कितना छोटा प्लेन है, अभी हम प्लेन के पास आ चुके हैं और बहुत तेज़ी हवा दे रहा है। और ये तो कितना छोटा प्लेन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। तो इस बस में हम आए थे स्पाइस जेट की, रेड हॉट एंड स्पाइस इस पर लिखा हुआ है। और अब हम इसके अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं हमें कितने मज़े आते हैं। और ये मेरे पीछे अभी प्लेन, तो गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी जाते हुए। गाइस आपको पता है इस पंखे से दूर रहना चाहिए वरना ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ अपना बोर्डिंग पास लेके। गाइस देखो वो स्पाइस जेट का बड़ा वाला प्लेन, वहाँ पे इंडिगो के सबसे बड़े प्लेन खड़े हैं। हम आते हुए इंडिगो से आएंगे तभी मैं आपको ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। अभी ये स्पाइस जेट इसका नाम है, इसलिए छोटा सा ये जेट है। तो अभी मैं इसमें जा रहा हूँ अपना बोर्डिंग पास लेके। तो फ्रेंड्स अभी हम ट्रेन में आ चुके हैं और ये है बाहर का व्यू। बुक्स पढ़ लूँ थोड़ी देर। तो गाइस प्लेन चल चुका है, इसके विंग्स हिल रहे हैं। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और आते समय हम इंडिगो से आएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस हम अपनी बस ट्रैवलिंग पे निकल चुके हैं, हमारा ये 5 घंटे का सफर होगा जोधपुर से जैसलमेर तक। तो आप भी मज़े करिए, मेरे कैमरे की 1% बैटरी है, प्लीज़ मत मज़े करें, मेरे को चार्ज करने दीजिए। तो हेलो गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम जोधपुर में आ चुके हैं और हम लेख मैं जा रहे मासू, मेरा बैग। और मैं आपको आती है रूम टूर दूंगा अपना, और फिर कुछ खाने को भी मंगाएंगे। हाँ ठीक है, डन डन डन। रात को फुल पार्टी शार्टी। और रान भाई क्या खा रहे हो? मिल्क पाउडर। मैंने भी आती है यही खाया सबसे पहले। तो गाइस ये अभी मेरे पीछे हमारा रिजॉर्ट। हमें लगा नहीं था कि हम स्विमिंग पूल में भी नहा सकते हैं, पर यहाँ आके देखा तो पानी पूरा भरा हुआ था। और हमने यहाँ से एंटर करा था, हाँ हमने यहाँ से एंटर करा था।
और गाइस ये जो अभी आपको मैं रोड दिखाऊंगा वो पूरी गुजरात तक जाती है सीधा। अभी हम जा रहे हैं लेक में बोटिंग करने और यहाँ पे साइडों पे दुकानें लगी हुई है और अभी हम आगे चलते जा रहे हैं। अभी मैं गन शूटिंग भी करूँगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप की दुकानें हैं। यहाँ पे मसाला टी है, हर टाइप की दुकान है। तो अभी हम आगे आगे जा रहे हैं और अभी हम आगे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा था लपको से सावधान, लपको। अभी हम आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे एक आदमी है वो सबको डरा रहा है। तो मोबाइल भी उससे मिलने जा रहे हैं। स्टैचू के साथ फोटो खिंचवा ले आजा। ये स्टैचू नहीं है, इंसान है। इसको देख, यहाँ देख, यहाँ। और सबको डराता है ना हथौड़ा लेके। असली हथौड़ा है वो तो पता है। देखो पूरा गोल्डन गोल्डन हो रखे हैं। अभी हम उस लेक में जाएंगे। मैं भी ये पकड़ो भाई, मैं भी जा रहा हूँ। अब जा, मैं खींच तो रहा हूँ। पास या पास नहीं डर लग रहा उसको। मामू ये खींचना देखो, ये नक्श कैसे डर रहा है। ये जब इसे पता है कि ये एक्टिंग कर रहा है फिर भी ये डर रहा है। ले भाई तू डरता रहे और कुछ मत कर। ओके थैंक यू। तो गाइस अभी मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ। देखते हैं शूटिंग वाले भैया कहाँ होते हैं। शूटिंग वहाँ पे हो रही है। चलो यहाँ पे पुलिस की भी गाड़ी खड़ी है। हमारी 20 मिनट में बहुत सारी तीनों बहुत के साथ निकलेगी। हम लोग रेस करेंगे तो देखते हैं कौन जीता है। बोट में भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे हो रही है शूटिंग। क्या मतलब शूटिंग का क्या है भैया चार्जेस? 50 के छे 10 दे रहे हैं यार। गलत कर रहे, 8 दे दो। चल ठीक है 8 दियो भैया। लो जी देखो ये नक्श एनसी ब्लॉगर शूटिंग करते हुए। उससे भी करा देंगे एक दो शूटिंग करते हुए। नक्श बोलना बेटा थोड़ा तेज। ओहो नक्श ने बैलून की हवा निकाल दी है। एक बैलून बुश कर दिया है। निशाना लगाओ ढंग से बेटा। भैया लगवाना, आप लगवाना इससे। तेरी तो वेरी गुड। चार इससे कर लो, चार उससे करना। अरे बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ओ तेरी तो। नक्श ने चार शूट कर, चार शूट में 3 बैलून फोड़ दिए अंकल के। अंकल के बैलून या फिर शोभा के बैलून? चाक आ गई। नक्श अच्छी तरह लगाओ बेटा। पहले फोड़ रहे थे, अब नहीं फोड़ रहे हो। ये भी ठीक है, आराम से, जल्दबाजी नहीं। तेरी तो क्लीन बोल्ड, लाजवाब शॉट। एनसी ब्लॉगर शूटिंग करते हुए वेरी गुड, लाजवाब। बाबा को नहीं खिलवाई। तो गाइस अभी मैंने शूटिंग कर ली, भाई ने भी कर ली। और वहाँ पे बाबा वो घोड़ा है या फिर ऊंट है? राजस्थान में घोड़ा, वहाँ पे घोड़े की भी सवारी हो रही है। पापा हम उतरे कहाँ पे थे? तो गाइस अभी हमें बोट के अंदर पैडलिंग। भारी का व्यू आ रहा है और वहाँ पे हो रहा है वाटरफॉल शो। चलो वहाँ चलते हैं भाई। कलर वाटर आ रहा है ऊपर।
नहीं जल्दी चला नक्श। अरे वो फोटो खींचे ना, ये छोड़ दे, बच जाएंगे उसमें। रुक जा, दो मिनट छोड़ दे अभी। बाबू तेज चला ले नक्श, लाइए दे दे मुझे, थोड़ी देर मैं दिखाऊं तेरी। सॉरी नक्श थक गया है, नक्श और चल नहीं रही। अरे इनके साथ ले नहीं। अभी रो रहा था ये कि मोहित भाई ये दे दो वो दे दो। सबूत क्या है? ये बस सबूत है, मैं पूरे को नहीं दिखा। यहाँ पे और वाटर लाइट शो हो रहा है, इसलिए हम अपनी लेफ्ट में घुमा रहे हैं। अच्छा छोड़, सीधी कर दे, सीधी कर दे, छोड़ तो दे। गाइस यहाँ पे वाटर फिल्म चल रही है। अरे ये लोग आ रहे हैं। अरे बोला कि यहाँ पे, यहाँ पे ले लो, पूरी घुमा दो पूरी। घुमाओ मारा एक बार अम्मी, मार भरना दे। रोक 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 रोक, रिवर्स कर बस। ओए क्या कर रहे हो? जोड़िया है। ओ रेस लगाओगे? रेस आप लोग तेज ना, उनकी ज्यादा तेज होती है भाई। नहीं भाई रिवर्स कर। सही कह रहा है, उनकी याद ही होती है। चल आगे मार। शो है चलो आगे सीटें पकड़ो। ये अपने नए प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं।